देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना था, लेकिन उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब यह मामला पलट गया है और LG ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वायसराय आए हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि LG स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार है। आतिशी ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को हम देश की आजादी का जश्न मनाने और आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए तिरंगा झंडा फहराते हैं। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था और वो अपनी मर्जी से यहाँ शासन चलाते थे। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है, तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायसराय आए हैं। बता दें कि स्टेट लेवल पर होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और गृह विभाग की होती है, इसलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने की अनुमति दी है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि जेल में बंद CM दिल्ली की मंत्री को झंडा फहराने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते हैं। बता दें कि GDA मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के मुताबिक आतिशी के तिरंगा फहराने की व्यवस्था की जाए, लेकिन उपराज्यपाल ने ऐसा नहीं होने दिया। राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की लड़ाई कोई नई नहीं है। पहले भी तमाम ऐसे मसलों पर इस तरह का विवाद होता ही रहा है और अब तिरंगे को लेकर यह नया विवाद हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।